गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे थर्ड चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब थ्योरी बेस अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसमें कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, हम उनको कैसे उसको एक प्रोसेस में फॉलो करेंगे, वो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो होता है, जब भी आप कोई अकाउंटिंग करते हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ रूल फॉलो करने होते हैं, तो उस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको अकाउंटिंग करनी होती है, वो होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल्स अडोप्टेड बाय द अकाउंटेंट यूनिवर्सली। किसके द्वारा अडॉप्ट किए गए हैं? अडोप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली, जिसको हर एक अकाउंटेंट जो है क्या करता है, अडोप्ट करता है, मतलब कि यूज करता है। ठीक है, दे आर द नॉर्म्स और द रूल्स, किसको? नॉर्म्स और रूल्स जो भी अकाउंटिंग में बने हैं उनको सब अकाउंटेंट जो उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, दे आर द नॉर्म्स और द रूल्स विच आर फॉलोड इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। यानी जब आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करते हो उसमें हर एक अकाउंटेंट, जो भी अकाउंटेंट अपना काम करता है, अकाउंटिंग करता है, उस टाइम वो हर रूल जो है फॉलो करता है, ये होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसी को ही हम दो तरीके से जानेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है? अकाउंटिंग कंसेप्ट दीज आर बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन एंड फंडामेंटल अजम्पशंस। यानी कि इसमें आप किस तरीके से सोचते हो, सोच कर जो अकाउंटिंग करते हो। ठीक है, सोचना, सोच के जब अकाउंटिंग करते हो वो होती है अकाउंटिंग कंसेप्ट। मतलब कि जैसे आप हो, आप किस तरह सोचते हो, आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपके बारे में ये सोचती हूँ कि आप ईमानदार है, आप अपना काम जो टाइम पर करते हो, मतलब कि अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग कंसेप्ट। ठीक है बेटा, ये हो गया अकाउंटिंग कंसेप्ट। अजम्पशन का मतलब होता है सोचना, कि आपकी सोच पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन का मतलब होता है प्रथा या चलन। पुराने टाइम पे जैसे कि हमारी जो पुरानी रीति रिवाज है, ठीक है, हमारे घर में जो जैसे दिवाली मनाते हैं, पुराने टाइम हमारे दादा दादी या उनसे भी बड़े जो बुजुर्ग है, वो जैसे दिवाली या होली वगैरह मनाते हैं, हम उनकी तरह ही जो है अपनी दिवाली और होली इस तरह ही अपने हर फेस्टिवल मनाते हैं। यानी कि वो प्रथा क्या है, पुराने टाइम से चली आ रही है, तो पुराने टाइम से जो चली आ रही है उसको हम प्रथा बोलते हैं ना। तो इसी तरह अकाउंटिंग में भी जो पुराने टाइम से जो अकाउंटिंग हो रही थी, कई बार हमें उसमें चलना पड़ता है, यानी उसी प्रथा के अनुसार जो है चलना पड़ता है, तो ये होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, यानी चलन। ठीक है, तो दीज आर आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस विच हैव बीन फॉलोड ओवर द ईयर्स। मतलब काफ़ी समय से जो चली आ रही है प्रथा, उसके अनुसार अकाउंटिंग करना। अकाउंटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले टाइम से ही चली आ रही है, वो हमें फॉलो करनी होती है। ठीक है, तो ये होती है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब अकाउंटिंग जो कंसेप्ट है, इसके 3 अजम्पशन है और इसके 12 अजम्पशन है, तो हम पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट की जो है अजम्पशन पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। इसके 3 पॉइंट है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरल। ठीक है, तो फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग का मतलब क्या होता है? चलते रहे, जो चीज़ चलती रहे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या सोचना है, मान लो कि मारुति कंपनी है, तो उसमें कोई अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट जो है मारुति कंपनी में क्या करता है? अकाउंटिंग का काम करता है। ठीक है, ये अकाउंटिंग का काम करता है, तो ये अकाउंटेंट क्या सोचेगा? ये सोचेगा ना कि भाई हमारी जो कंपनी है, मारुति कंपनी है, वो चलती रहे। तो इस तरह सोचना, ये होता है गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो बिजनेस विल कंटिन्यू, यानी बिजनेस कैसा होना चाहिए? विल कंटिन्यू, लगातार चलता रहे, फॉर ए फॉरसीएबल
फ्यूचर एंड दिस देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, कि हमारा बिजनेस जो है वो बंद ना हो, वो चलता ही रहे, ये होता है गोइंग कंसर्न। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मेड बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन ओनली। इसका क्या मतलब है, कुछ आया समझ? डिस्टिंक्शन का मतलब होता है क्लासीफाई करना। क्लासीफाई में क्या करते थे हम, अलग अलग करते थे ना, तो इसी तरह इसमें भी जो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा था लास्ट बेसिक टर्म में पढ़ा था ना, क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है ना जिसमें जो हम बेनिफिट विद इन वन ईयर उठाते हैं, ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था जिसमें बेनिफिट वन ईयर से ज़्यादा टाइम के लिए उठाते हैं, ठीक है। ये हो गया, जैसे हमने सिर्फ एक वन ईयर में जो है बेनिफिट उठाया, वन ईयर, ठीक है, ये तो हो गया क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप एक साल से ज़्यादा टाइम तक, मतलब एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, लगातार आप कई सालों तक जिसका फ़ायदा उठा रहे हो, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसको अगर आप अलग अलग कर ले, किस लिए करते हो, ताकि आपका जो बिजनेस है, ये तभी पता चलता है ना कि आपका जो बिजनेस है वो चलता रहे, इसीलिए इसी को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बिजनेस है वो चलता रहे, ये सोचते हैं, ठीक है। तो इसमें यही डिस्टिंग्विश इसीलिए करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहे। ऐसा नहीं है कि मान लो हम ये सोच रहे कि हमारा बिजनेस बंद हो जाए, तो बिजनेस बंद हो जाएगा तो हम इसका क्या करेंगे, इसको डिस्टिंग्विश करके। तो इसकी इस अजम्पशन का मतलब ही यही है कि हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहे, ठीक है, कभी ख़त्म, लगातार कंटिन्यू चलता रहे, बंद ना हो, ठीक है। ये हो गया गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कॉन्सिस्टेंसी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी कॉन्सिस्टेंसी, ठीक है बेटा, थैंक यू।